नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। जांजगीर चांपा जिले में रेत माफियाओं की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी इस पर खनिज विभाग ने कोई कार्रवाई न करते हुए चुप्पी साधे बैठी हुई है। जिले में रेत घाट बदलकर दूसरे जगह से रेत निकालना आम बात हो गई है। इसी तरह गाड़ापाली भादा में ठेकेदार चित्र कुमार जायसवाल द्वारा रेत घाट बदलकर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है, जबकि खनिज विभाग इस पर मौन साधे हुए है, जिससे अधिकारियों की संरक्षण को नकारा नहीं जा सकता। जिस पर रेत माफियाओं की मनमानी चल रही है, राजस्व विभाग की क्षति तो हो ही रही है, साथ में अधिकारियों की जेब भी भर रहे हैं। बहरहाल लगातार शिकायत के बाद आखिर किस तरह कार्यवाही किया जाएगा या अवैध तरीके से रेत खनन करने वाले विभाग को ठेंगा दिखाता रहेगा, यह देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा कोई आपके द्वारा अगर आप बात रखी जा रही है ना, तो खनिज इंस्पेक्टर जो माइनिंग इंस्पेक्टर मौके में जाकर इसकी जांच करेगा, और जांच में अगर कोई गलत पाया जाए तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। मौके पे देखा, ठीक है ना, और कहाँ स्वीकृत घाट है इसकी जानकारी आपको है कि नहीं, हमको नहीं है। ये तो तय होगा जब मौके पे इंस्पेक्टर जाके देखेगा कि खदान कहाँ स्वीकृत और कहाँ से उत्खनन हुआ है, उसके बाद तय होगा। अगर विधि सम्मत नहीं हो तो कार्रवाई की जाएगी उसमें। श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रामीण अंचल में सर्वश्रेष्ठ सुविधा का संकल्प, मेडिकल सुविधाओं को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए 100 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता ऑफिसर्स पार्क, सेजबहार, रायपुर, छत्तीसगढ़।